नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी और एमपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में जो आप सभी का फिजिकल टेस्ट एग्जाम होना है, उस फिजिकल टेस्ट को लेकर के विद्यार्थियों के मन में कई सारे अपने अपने विचार चल रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन सा सवाल भी क्रिएट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि फिजिकल टेस्ट में आपको कितना सेकेंड में आपको जो 800 मीटर की दूरी है वो तय करना है, और जो गोला फेंक और जो लंबी कूद है वो कितना मीटर कितना मीटर आप गोला फेंकेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितना आपको जंप मारना है कितना मीटर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा हम सिलेबस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका CBT एग्ज़ाम होना है उस CBT एग्ज़ाम का क्या रोल है आपके जीडी में और क्या रोल है आपके रेडियो ऑपरेटर में। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं यहां पर सबसे पहले उस पॉइंट पर ले चलता हूं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ये है आपका आरक्षक जीडी के लिए, ये जीडी के लिए है आपका, और इसमें जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है ना। एक एक चीज़ों पर बात करते हैं, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, इसमें सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके ना वो डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये है आपका शारीरिक दक्षता यानी कि PPT अधिकतम 100 अंक का, यानी कि जो कांस्टेबल के लिए जीडी के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसको 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। और ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई मार्क्स का नहीं है, इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में इसमें का नंबर भी ऐड होना है ना। देखिए, पुरुषों के लिए गोला फेंक, गोले का वजन कितना रखा गया है, 7.26 किलोग्राम का आपका गोला रहेगा, और लेडीज़ के लिए गोला फेंक का गोले का वजन 4 किलोग्राम रखा गया है ना। यहाँ से एक बात आपकी हो गई क्लियर। अब बात आती है कि आपकी कितने मीटर की दौड़ है, तो 800 मीटर की दौड़ है, लेकिन आपको 800 मीटर की दौड़ में केवल एक बार चांस मिलेगा है ना, यहाँ पर लिखा है ओनली वन चांस, तथा लंबी कूद और गोला फेंक हेतु आपको 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आपको लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3-3 बार आपको चांस मिलेगा, लेकिन दौड़ के लिए रनिंग के लिए केवल आपको एक ही बार चांस मिलेगा है ना। ये किसके लिए बात कही जा रही है दोस्तों, ये बात कही जा रही है आपके जीडी के लिए। ये लिस्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को देखिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए, आरक्षक जीडी उम्मीदवार के लिए, पुरुष के लिए है ना, मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर देखिएगा कि 800 मीटर की दूरी है, 800 मीटर की दूरी है, और कि 800 मीटर की दूरी है तो आपको इसमें सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। अगर आप 198.3 सेकेंड से अधिक, 198.3 सेकेंड में अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो गया, और 6 × 18 है ना, 180 यानी कि 3 मिनट 18 सेकेंड है ना, 3 मिनट 18.3 सेकेंड से अधिक समय में यदि आप 800 मीटर की दूरी को तय करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आपको कितना नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। वहीं पर लंबी कूद में देखा जाए तो 2.96 मीटर से कम यदि आप जंप मारते हैं तो भी 0 नंबर आपको मिलेंगे। वहीं पर गोला फेंक देखा जाए तो गोला फेंक में 3.83 से कम दूरी आप गोला फेंकते हैं तो भी 0 नंबर मिलेगा है ना। अब इन्होंने एक एक पॉइंट पूरा यहां पर सेट किया हुआ है अपने हिसाब से कि भाई कितना सेकेंड में कितना आप जंप मारेंगे या फिर कितना मीटर आप गोला फेंकेंगे तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा है ना टोटल। अब देखिए, यदि आप जो दौड़ लगाते हैं वो 135.6 सेकेंड से अधिक और 5 सेकेंड तक में यदि आप 800 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से मैक्सिमम यदि 124.2 से कम, 124 कितना हो जाएगा, 60 × 2 120 सेकेंड, ये हो गया यानी कि 2 मिनट 4.2 सेकेंड है ना, 2 मिनट 4.2 सेकेंड में यदि आप 800 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा कितना, 40 नंबर। और उसी प्रकार से यहां पर 5.57 मीटर से अधिक आप, ये किसके लिए है,
ये किसके लिए है, तो ये देखिए लंबी कूद के लिए है ना। यदि यदि आप 5.57 मीटर से अधिक आप लंबा जंप लगाते हैं, तो आपको 30 नंबर मिलेगा। और यहीं पर 8.76 मीटर से अधिक आप क्या करते हैं, गोला फेंकते हैं, तो आपको यहां पर 30 नंबर मिलेगा। यानी कि यू देखा जाए तो ये जो आपकी ये वाली जो है आपकी ये 40 नंबर की है, और ये है आपका 30 नंबर का, और ये भी है आपका 30 नंबर का, और टोटल कितना है 100 नंबर का। यानी कि 100 नंबर यहाँ से आपका कवर होता है, और जितना भी नंबर आप इसमें पाते हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ये नंबर ऐड होगा। तो ये देखिए, ये तो पुरुषों के लिए है ना, ये पुरुषों के लिए है। अब महिलाओं के लिए देखा जाए इसमें, तो महिलाओं के लिए क्या है, तो वही महिलाओं के लिए भी है 40 प्लस 30 और प्लस 30। इसमें देखिए यदि 261.8 से अधिक सेकेंड में यदि कोई महिला 800 मीटर की दूरी तय कर पाती है तो उसको 0 नंबर मिलेगा। 2.04 सेकेंड से कम दूरी अगर वो जंप करती हैं तो उनको 0 नंबर मिलेगा। वहीं पर 2.85 से कम मीटर अगर आप गोला फेंकती हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आपको मैक्सिमम नंबर लाना है, यानी कि देखिए इसमें क्या है कि 30 नंबर है ना, आई थिंक 30 नंबर क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर अगर आपको 40 में से 40 लाना है तो 176 से कम सेकेंड, यानी कि 176 सेकेंड से भी कम समय में यदि 800 मीटर की आप दौड़ लगा लेती हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। वहीं पर 4.36 मीटर से अधिक यदि आप जंप मारती हैं तो आपको 30 नंबर, और 7.20 मीटर से अधिक यदि आप क्या करती हैं, यदि आप गोला फेंकती है ना, ये गोला फेंक का है, तो भी आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो ये लेडीज़ के लिए है, और ऊपर वाली जो लिस्ट थी वो पुरुषों के लिए थी। तो ये तो हो गया आपका जीडी के लिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं उन भाइयों के बारे में जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म को अप्लाई किया है। किसमें, रेडियो ऑपरेटर में, और इसमें केवल 800 मीटर इसमें दौड़ है। देखिए पुरुषों के लिए गोला फेंक, गोले का वजन कितना रखा गया है, 7.26 केजी, और महिलाओं के लिए गोला 4 केजी रखा गया है ना, इसमें कितना रखा गया है 4 केजी। ध्यान से सुनिएगा, 800 मीटर की दौड़ हेतु वही एक चांस मिलेगा, और लंबी कूद गोला फेंक के लिए आपको प्रत्येक 3 अवसर मिलेंगे है ना, जैसा कि जीडी में रखा गया है, बिल्कुल कॉपी किया गया है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ये रेडियो ऑपरेटर के लिए फिजिकल टेस्ट है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ पुरुषों के लिए है ना, पुरुषों के लिए देखा जाए तो 800 मीटर की दूरी 224.5 सेकेंड से अधिक के समय में यदि आप 800 मीटर की दूरी तय करते हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि 224 देखा जाए तो कितना होगा, 2 मिनट है ना, 120 नहीं 2 मिनट नहीं 60 गुणे 6 चौके 24, 3 मिनट में कितने मिनट में, 3 मिनट, ये हो गया 180 और 90 100 200 40 44.5, यानी कि 3 मिनट कितना, 3 मिनट 44.5 सेकंड है ना, 3 मिनट 44.5 सेकेंड में यदि आप इससे भी अधिक समय लेते हैं 800 मीटर की दूरी को कंप्लीट करने में तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। लंबी कूद में यानी कि जंप यदि आप 2.23 मीटर से कम लगाते हैं तो भी 0 नंबर, और गोला फेंक अगर देखा जाए तो गोला फेंक में 3.51 मीटर से कम अगर गोला फेंकते हैं तो भी 0 नंबर मिलेगा है ना। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, फिर एक एक नंबर पूरा सीरियल से यहाँ पर लगाया गया है, अरेंज किया गया है कि भाई आप इतना मीटर या फिर इतना सेकेंड में इतना दूरी तय करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा। पूरे लिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको लास्ट में ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए आपको 40 अंक कब दिया जाएगा,
जब आप 146.5 सेकेंड से कम समय में 800 मीटर की दूरी तय करेंगे। कितने मीटर की? 800 मीटर की जो दूरी है उसको आप तय कर लेंगे तो आपको 40 में से 40 नंबर दिया जाएगा। वहीं पर 4.84 मीटर से अधिक है ना, मीटर से अधिक यदि आप क्या करते हैं, आप जंप मार लेते हैं तो भी आपको 30 में से 30 नंबर दिया जाएगा। और यदि आप 8.73 मीटर से अधिक यदि आप गोला फेंकते हैं तो भी आपको 30 में से 30 अंक दिए जाएंगे, है ना। तो ये पुरुष के लिए था। अब महिलाओं के लिए देखते हैं हम कि लेडीज के लिए यहां पर क्या रखा गया है रेडियो ऑपरेटर में। तो रेडियो ऑपरेटर में देखिए यहां पर लेडीज कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दूरी है, 305.8 सेकेंड से अधिक टाइम में 800 मीटर की दूरी करते हैं तय तो 0 नंबर। और लंबी कूद यानी जंप में 1.50 से कम दूरी अगर आप जंप मारती हैं तो भी 0 नंबर। और गोला फेंक में इतना मीटर यानी कि 2.70 मीटर से कम यदि आप गोला फेंकती हैं तो 0 नंबर। पूरे लिस्ट को जब आप चेक करते हुए यहाँ फाइनल तक पहुँचेंगे, यहाँ पर फाइनल तक पहुँचेंगे देखिए तो आपको 40 नंबर कम मिलेगा, है ना। 40 में से 40 नंबर आपको कम मिलेंगे जब आप 2.220.0 सेकेंड से कम समय में 800 मीटर की दूरी तय करेंगी, है ना। तो आपको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। वहीं पर 3.82 मीटर से अधिक, है ना, मीटर से अधिक अगर आप जंप मारती हैं तो भी 30 में से 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। वहीं पर 7.05 मीटर से अगर आप अधिक मतलब कि गोला फेंकती हैं तो भी आपको 30 में से 30 नंबर दिए जाएंगे। आप जितना अधिक आप फिजिकल में प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही अधिक ये 30 नंबर और ये 40 नंबर वाली जो स्कोर है इस स्कोर को आप टच करने की कोशिश कर पाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये लेडीजों के लिए था और सारा चीज़ देखिए क्लियर हो गया। अब एक बात और यहाँ पर कि मतलब कि सीना वगैरह का क्या रोल है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी आपके लिए ज़रूरी है, है ना। ये जो सवाल था वीडियोज़ में कई बार स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया सवाल था, मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक बार बात करना जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करें, उससे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर देखिए जीडी के लिए जो विद्यार्थी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किए है ना, केवल सशस्त्र बल एसएएफ के लिए, है ना, आर्म्ड फोर्स के लिए, यहाँ पर क्या कहा गया है भाई कि जो अनरिजर्व और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, कौन से कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट कितना होना चाहिए तो 168 सेंटीमीटर हाइट, और सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। अब एक कमेंट आया था सर कि अगर इतना सीना हम फुला दें तो लगता है कि दिल और फेफड़ा निकल करके हाथ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि आपका दिल और फेफड़ा हाथ में निकालने का मकसद किसी का नहीं है, है ना। यहीं पर जो गोरखा है, जो गढ़वाली है, कुमाऊं के मामले में जो है जो पुरुष कैंडिडेट है 157 यहाँ पर हाइट, 79 सेंटीमीटर यहाँ पर बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर फुला करके चेस्ट होना चाहिए। मराठा अनुसूचित जाति यानी जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति एससी और एसटी के मामले में देखा जाए पुरुष कैंडिडेट के लिए तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए उनका, और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना, 84 सेंटीमीटर फुला करके सीना होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अब एक बात यहाँ पर ये आपके लिए है डीएएफ के लिए, है ना। डीएएफ होता क्या है, देखिए डीएएफ होता है जो जिला मुख्यालय में जो थाने वगैरह होते हैं ना वहाँ पर पोस्टिंग जिसको मिलता है कांस्टेबल के तौर पे वही होता है डीएएफ, यानी कि विशेष सशस्त्र बल छोड़कर जिसको मतलब कि कोई हथियार वगैरह उनके पास नहीं होता है जिस कांस्टेबल के पास उसको कहते हैं बिना सशस्त्र बल, है ना। तो देखिए यहाँ पर आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग जैसे कि यूआर अनरिजर्व हो गया, अनुसूचित जाति एससी हो गए और पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो गया, है ना, जो लेडीज कैंडिडेट हैं
और जो पुरुष कैंडिडेट है पुरुष के लिए तो 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, लेडीज के लिए यहां पर कुछ छूट दिया गया है 155 सेंटीमीटर हाइट, और बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है। ये किसके लिए है? ये मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ भी लागू नहीं किया गया है। वहीं पर देखिए आप अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट की जो लेडीज़ हैं और जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए हाइट, 155 सेंटीमीटर लेडीज़ के लिए हाइट है ना, 76 और 81 का रेशियो रखा गया है, 81 फुला करके 76 बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए पुरुष का, और लेडीजों में कभी भी ये सीना फुलाने वाला जो फिजिकल होता है ये इसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, देखिए ठीक है ये चीज़ है। तो ये जो भी क्राइटेरिया रखा गया है ना, ये क्राइटेरिया में आपको बिल्कुल भी कोई छूट नहीं मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई छूट नहीं दिया जाएगा, ना ही ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप मतलब कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर काम नहीं आएगा कि भाई मैं एसटी का हूँ, भाई मैं एससी का हूँ तो मुझे कुछ छूट मिल जाए, तो ऐसा इसमें फिजिकल में कुछ भी छूट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को जानना भी जरूरी है क्योंकि रिटन एग्जाम जो है ना ये 50-50% का रेशियो रखता है। देखिए जो आपका प्लानिंग किया गया है एग्जाम का, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और देखिए ये आपका जो रिटन एग्जाम होना है ना ये कैसा होना है, ये आपका OMR सीट पर होगी, ठीक है। प्रथम चरण तकनीक परीक्षा केवल तकनीक पदों हेतु, यानी कि जो आपका टेक्निकल एबिलिटी है ना सर, जो आपका जैसे कि आपने रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म को अप्लाई किया तो रेडियो ऑपरेटर में जो एक टेक्निकल चीज़ें पूछी जाने वाली है, टेक्निकल जो सिलेबस है आपका, वो टेक्निकल सिलेबस से टेक्निकल क्वेश्चन आपके अधिकतम 100 अंक के पूछे जाएंगे, और जो द्वितीय चरण में आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये केवल और केवल इसको पास करना है आपको, क्या करना है, केवल और केवल पास करना है, ठीक। और इसमें देखिए जो आपका प्रथम चरण में ये वाली जो हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 2 घंटे के होंगे, 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम आपको 100 नंबर दिया जाएगा, और सही उत्तर करने पर +1 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर करने पर इसमें कोई नंबर की डिडक्शन नहीं की जाएगी, नो निगेटिव मार्क्स है ना, नो निगेटिव मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट इसी से परेशान होते हैं कि निगेटिव मार्क को लेकर के, ठीक है ना, तो इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है। और इसमें देखिए जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे सेकेंड वाले एग्जाम में वो क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक का सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि, 30 अंक के विज्ञान एवं सरल अंक गणित, यानी कि वही आपका जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह है, और आपका जनरल साइंस है, मैथ है ना, रीजनिंग है, यही पूछा जाने वाला है, और आपका 100 नंबर यहां से कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका तो 100 नंबर यहां से कंप्लीट होगा और 100 नंबर फिजिकल से, लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर के लिए हैं उनका 100 नंबर यहीं से मिलेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट भी उनको यहीं से बनाया जाएगा उनका, है ना। तो चलिए यही वो टोटल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को अपने दूसरे मित्रों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें और सुन सकें। इसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस कम्प्लीट करना चाहते हैं तो फिर आप निमी टेक्निकल क्लासेस को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू।